इनके बनाओ क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही खास, सबसे पहले तो ये देखें जनाब, हम खाने लगे हैं अभी पाए, ठीक है ना, बड़े पाए हैं तो मजा आ जाएगा। तो उसके बाद मिलते हैं आपसे, तो उतनी देर आप वेट करें, हम पाए खा के बाद में आप आगे चलता रहेगा, चालू रहेगा। हाँ जी, मजा आ रहा है, बहुत टेस्टी है, अभी खाए हैं नहीं पहले मजा आ गया। हाँ अभी चेक करते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं जनाब। हाय हाय हाय, सब पे मारो एक एक कैमरे की सीन। हाय हाय हाय, बहुत ही नरम यार, क्या कहते हैं, गले बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे हाथ से बूटी हाथ में आ गई है जनाब, ये देखें। मजेदार, वाह भाई वाह, बारिश हुई है, मौसम बहुत प्यारा है आज। ये देखे दोस्तों जनाब, छोटे छोटे बलूंगड़े थे फिर भी ये देखेंगे, इन्होंने सारा सफाया कर दिया है और साथ में मैं भी था, चलो मानते हैं। इन्होंने देखो कोई चीज नहीं छोड़ी यार, अभी तो कोई एक चीज छोड़ देते बंदे, दो दो पराते तीन तीन खा खत्म कर दिए इन्होंने। तो अभी चलते हैं हम लोग, कहाँ पे जाना है यार, बैट कौन सा बैट लेना है आपने, मस्जिद कर रहा बहुत। ये देखें जी बाइक, मेरे आने से पहले ही इन्होंने बाइक निकाल दी है बलूंगड़ों ने, ठीक है। तो बहुत जिद कर रहे हैं, अभी हम जाने लगे हैं जनाब बैट लेने के लिए। ओ, बैट लेने जा रहे थे, हाजरा बहुत जिद कर रही थी, अब हाजरा को हम झूठा देने लगे हैं, हाजरा को झूठा दे के फिर हम जाएंगे। ये हाजरा झूठा लेने जा रही है, देखे हाजरा बहुत जिद कर रही थी, देखे बारिश की वजह से पानी बहुत खरा हुआ है, वो देखें वो छोटी छोटी बतकें, ये देखें बारिश की वजह से पानी बहुत जमा हुआ हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये देखें यहाँ दरिया रावी लगी हुई है, ये देखें ये देखें जी जगह जगह पानी इतना खड़ा हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया बारिश की वजह से, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है और जब कम बारिश आता है तो कम पानी आता है। मामू बाइक चला रहा है, अब हम फ्लाई ओवर के ऊपर से जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अभी हम फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ रहे हैं जनाब, ये फ्लाईओवर बना हुआ है काने का जनाब, नीचे से रेलवे की सड़क गुजर रही है इस वजह से ये फ्लाईओवर बना हुआ है। तो आज अब्दुल रहमान ने बाइक का सलेंसर भी तोड़ दिया है, बहुत नुकसान हुआ है। ये हमारा प्यारा सा गाँव है, तो ये नीचे से रेलवे सड़क जो गुजर रही है वो है, तो वो सामने से गाड़ी भी आ रही है आप देख सकते हैं। A few moments later. दोस्तों मास्क का बैट तो हमने ले लिया था, तो रास्ते में मेरा जूता भी टूट गया था, मैंने सोचा कि चलो यार जूता भी लेते चलते हैं। तो अभी मैं खान की दुकान पे आया था, यहाँ से जूता पसंद कर रहा था, जो भी जूता पहन रहा था वो थोड़ा सा साइज़ में छोटा था, तो अभी खान को मैंने कहा कि बड़े साइज़ का कोई जूता दिखाओ, अभी खान ने वो बड़े साइज़ का मुझे जूता दिखाया, वो मुझे पसंद नहीं आया, मैंने एक और जूता पसंद किया, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जूता कौन सा है। ये वो जूता है जो मैंने पसंद किया है, तो आप भी बताएँ कि ये जूता अच्छा है कि नहीं अच्छा। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। A few moments later. तो हमने बैट ले लिया, ठीक है, मास का ये बैट लिया हमने, ठीक है, इसकी ग्रिप थोड़ी सी खराब थी, ग्रिप भी हमने नहीं ले ली है, तो अभी इस ग्रिप को हम इसके ऊपर चढ़ाने लगे हैं, तो फिर घर जाके खेलेंगे जनाब गेंद बैट, ठीक है ना मास। तो अभी ग्रिप चढ़ाते हैं, मास तो बहुत खुश है अब, तो हमसे ग्रिप जो है नहीं चढ़ी थी, तो अभी ले गए हैं अमजद के पास, दिमाग ठीक है। तो ये देखें ग्रिप, शार्पर इसके अंदर डालो, शार्पर ऐसे ही नीचे ले आओ, तो ये देखें ये ग्रिप आ गई है इसके ऊपर, ठीक है। हमने कौन सा कभी गेंद बैट बॉल खेला है, ये पहली दफा हमने मास को बैट लेके दिया है, तो ग्रिप हमसे तो नहीं ये डली थी, तो ये अमजद ने अभी इसको डाल दिया है, लेकिन ये कैसे डाला है ये हमने पहले सबसे यूट्यूब से सर्च किया है और फिर ये डली है, उससे अलावा नहीं है, ये यूट्यूब से ही हमें तरीके का पता चला है जनाब। वेलकम बैक। तो दोस्तों अभी ग्रिप श्रिप चढ़ा दी थी जनाब, मास को खुश कर दी है, मास को हो गया राजी, अब बारी है दूसरे लफंडर की, दूसरा जो हमारा लफंडर है अब्दुल रहमान, अब इसकी जिद पूरी करने लगे हैं जनाब।
आज 3-4 दिन हो गया कह रहे जी चैलेंज चैलेंज चैलेंज, जिंगर बर्गर खाना है, वो खाना है, ये खाना है। तो अभी यार इसके जिद पूरी करते हैं, अभी लेके आते हैं जिंगर बर्गर। तो अभी हम जाने लगे हैं जिंगर बर्गर लेने के लिए, तो अभी जिंगर बर्गर लेके आते हैं, तो फिर चैलेंज की तैयारी करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं BFC शॉप पे, यहाँ से हमने जनाब जिंगर बर्गर का आर्डर दे दिया है। 4 जिंगर बर्गर लग रहे हैं, अभी शामी बर्गर भी लेने हैं, यहाँ से लेके चलते हैं जनाब शामी बर्गर वालों के पास। तो दोस्तों अभी हमने जिंगर बर्गर तो ले लिए थे, अभी हम पहुंचे हैं जनाब अंडे वाले बर्गर लेने के लिए भाई के पास। तो अभी भाई अंडे वाले बर्गर लगा रहा है, 4 अंडे वाले बर्गर हमारे लग रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मटेरियल वगैरह सारा लगा पड़ा है, अब मायोनीज वगैरह डाल रहा है वो, साथ में अंडा टिक्की भी बनी हुई है। तो दोस्तों अभी बर्गर शर्गर पैक हो रहे हैं, सारा सामान मटेरियल लग गया है। तो अभी बर्गर पैक करवा के अभी हम जाएंगे घर, वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसे हम सेटिंग करते हैं जनाब, कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे चैलेंजेस के लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो अभी बर्गर लेके अभी हम जा रहे हैं घर। दोस्तों चैलेंज बनाने के लिए हमने ये सेटिंग की है, आपको ये देख के तो समझ आ गई होगी कि इसमें क्या करना है। अगर नहीं समझ आई तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा, बहुत मज़ा आए।